समाज कल्याण विभाग की है झांकी जो मंच के सामने है। इस विभाग के अंतर्गत बच्चों, धात्री माताओं एवं गर्भवती महिलाओं के देख रेख हेतु योजनाएं चलाई जाती हैं। प्रसव पूर्ण टीकाकरण से लेकर बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार देने के साथ साथ इनके स्वास्थ्य की रक्षा के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और जो अगली झांकी है वो है स्वास्थ्य विभाग की। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सूचिता चलाया जा रहा है। उपायुक्त गढ़वा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति के साथ जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकारी अस्पतालों में दी जा रही सुविधाओं की को सुदृढ़ करने एवं फर्जी चिकित्सकों द्वारा संचालित निजी अस्पतालों की जांच करते हुए FIR करने का आदेश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम निजी अस्पतालों को चिन्हित कर जांच करने पहुंची, जिसमें चिकित्सक अधिकृत नहीं पाया गया एवं आवश्यक अधिनियम का अनुपालन व पंजीयन नहीं होने के कारण अस्पताल पर FIR करते हुए संचालक को जेल भेज दिया गया। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सुचिता के शुरुआत के बाद सरकारी में अस्पतालों में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। और अब जो झांकी है वो है JSLPS एवं DRDA, इनकी झांकी संयुक्त रूप से प्रस्तुत की जा रही है। JSLPS द्वारा प्रस्तुत झांकी में पलास मार्ट एवं पलास उत्पादों को दिखाया गया है। इस पलास मार्ट में JSLPS द्वारा संबंधित स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। गढ़वा जिले अंतर्गत अभी तक कुल 10 पलास मार्ट विभिन्न प्रखंडों में संचालित हैं। इनके प्रमुख उत्पाद हैं मशरूम अचार, मिक्स अचार, मूली अचार इत्यादि। और अगली जो झांकी है वो शिक्षा विभाग की है। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ स्वच्छ विद्यालय, स्वस्थ बच्चे की अवधारणा को लेकर विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत